समय की बात है, एक खूबसूरत सी प्रिंसेस एक बड़े से महल में रहती थी। एक दिन उसके पापा महाराज जी ने उन्हें बर्थडे गिफ्ट में एक गोल्डन बॉल दिया। हैप्पी बर्थडे बेटी। थैंक यू पापा। प्रिंसेस को ये गोल्डन बॉल बहुत पसंद था और वो अपना सारा वक्त उसके साथ खेलने लगी। एक दिन वो खेलते खेलते बाहर चली गई। प्रिंसेस बॉल से खेलती खेलती एक पॉन्ड के पास पहुंच गई। वो खड़ी खड़ी खेल रही थी कि वो बॉल को पकड़ नहीं पाई और बॉल दूर जाने लगा। मेरा बॉल! प्रिंसेस बॉल के पीछे भागने लगी, पर बॉल और भी तेज जाने लगा। आगे जाके वो बॉल पॉन्ड में गिर गया और गहरे पानी में डूब गया। ओह नो! प्रिंसेस पॉन्ड के पास बैठ के रोने लगी। ओह, मेरा प्यारा गोल्डन बॉल, अब मैं कैसे उसे वापस लाऊं? अचानक प्रिंसेस ने एक आवाज सुनी। रिबिट! मेरी सुंदर प्रिंसेस, आप क्यों रो रही हो? प्रिंसेस ने आसपास देखा, पर समझ नहीं पाई कि आवाज कहां से आ रही है। जब ध्यान से देखा तो देखा कि ये मेंढक की आवाज है जो पास बैठ के प्रिंसेस को देख रहा था। मेंढक प्रिंसेस की तरफ कूदा और फिर से पूछा, क्या हुआ मेरी सुंदर प्रिंसेस, आप क्यों रो रही हो? प्रिंसेस हैरान हो गई जब उसने बोलते हुए मेंढक को देखा। एक बोलता हुआ मेंढक, ये कैसे हो सकता है? अरे प्रिंसेस, सामने बैठा हूँ आपके, अब बताइए क्यों रो रही हो? खुद को शांत करके प्रिंसेस अपनी कहानी बताने लगी। गोल्डन बॉल जो मेरे पापा ने मुझे दिया, वो पॉन्ड में गिर गया है और डूब गया, अब मैं क्या करूं? मेंढक प्रिंसेस के पैरों के नजदीक आया और एक तरीका बताया। सुंदर प्रिंसेस, मैं आपका बॉल ले आऊंगा, पर उसके बदले में आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। प्रिंसेस समझी नहीं, पर क्या करना होगा? अगर आप मेरी दोस्त बन जाएं तो मैं आपके साथ महल में रहना चाहूंगा। प्रिंसेस ने इसके बारे में सोचा और उसकी बात मान ली, और मेंढक ने पानी में कूदी लगाई और अंदर गया। थोड़ी देर बाद मेंढक गोल्डन बॉल के साथ बाहर आया और बॉल को प्रिंसेस की तरफ फेंका। बॉल मिलते ही प्रिंसेस खुशी खुशी वापस महल में जाने लगी। प्रिंसेस को उसके बिना जाता देख मेंढक ने जोर से आवाज लगाई। मेरी सुंदर प्रिंसेस, आप मुझे भूल गई। आपने वादा किया था मुझे महल ले जाने का। प्रिंसेस दूर से चिल्लाई हंसते हुए। तुम्हारी जैसा गंदा दिखने वाला मेंढक मेरी जैसी सुंदर प्रिंसेस के साथ रहने की सोच भी कैसे सकता है? रिबिट! प्रिंसेस मेंढक को वहीं छोड़ के महल में चली गई। रात को महाराजा, रानी और प्रिंसेस डिनर टेबल पे बैठे। जब वो खाना खाना शुरू ही कर रहे थे, ठीक उसी समय उन्होंने दरवाजे पे दस्तक सुनी। मेड ने उन्हें बताया कि मेंढक आया है और कहा कि प्रिंसेस ने उसे इनवाइट किया है और वो अंदर आना चाहता है। महाराजा जी हैरान हुए और अपनी बेटी से पूछा, आप बताएंगी ये क्या हो रहा है बेटी? वो पापा। प्रिंसेस ने सब कुछ बताया जो सुबह पॉन्ड के पास हुआ। अगर तुमने मेंढक को वादा किया था बॉल बचाने के लिए, तो तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। महाराजा ने मेंढक को कहा कि मेंढक को अंदर लाए। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और मेंढक कूदते हुए अंदर आया और डिनर टेबल के नजदीक आके रुक गया। गुड इवनिंग सबको, और महाराजा जी थैंक यू मुझे अंदर बुलाने के लिए।
एक लंबी सी छलांग लगा के मेंढक प्रिंसेस के प्लेट के पास आ पहुंचा। दुखी होके प्रिंसेस ने मेंढक को देखा। महाराजा जी मेंढक के लिए एक प्लेट मंगवा रहे थे, पर मेंढक ने उन्हें रोक दिया। प्लेट की जरूरत नहीं, मैं प्रिंसेस की प्लेट में से खा सकता हूँ। मेंढक ने प्रिंसेस की प्लेट में से खाना शुरू किया। प्रिंसेस परेशान हुई, पर सोचा कि डिनर के बाद तो वो वैसे भी चला जाएगा, तो कुछ ना बोली। पर मेंढक के कोई इरादे नहीं थे डिनर के बाद जाने के। जब प्रिंसेस टेबल से उठी तो मेंढक ने उन्हें रूम तक फॉलो किया। समय गुजरा और मेंढक को नींद आने लगी। मेरी प्रिंसेस, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके बेड पे सोना चाहता हूँ। पिता को बुरा ना लगने के डर से प्रिंसेस ने इस बात के लिए भी हाँ कह दिया। मेंढक बेड पे कूदा और अपना सर प्रिंसेस के नरम तकिए पे रख दिया। अपना सारा गुस्सा ना दिखाने की कोशिश करते हुए प्रिंसेस मेंढक के नजदीक सो गई। सुबह होते ही मेंढक ने प्रिंसेस को जगाया। गुड मॉर्निंग मेरी सुंदर प्रिंसेस, मेरी एक और विश है, बस उसे पूरा कर दो तो मैं अभी के अभी चला जाऊंगा। मेंढक चला जाएगा इस बात से प्रिंसेस बड़ी खुश हुई, पर उसने ऐसा दिखाया नहीं। अच्छा बताओ अब क्या है? मेंढक ने प्रिंसेस की आंखों में देखा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे किस करें प्रिंसेस। प्रिंसेस गुस्से में उससे दूर खड़ी हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये नहीं होगा। मेंढक के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह आंसू टपकने लगे। प्रिंसेस ने थोड़ी देर तक सोचा। इसमें क्या है? एक छोटी सी किस ही तो है और उसके बाद इसे छुटकारा। और प्रिंसेस ने मेंढक को किस किया। जैसे ही प्रिंसेस ने मेंढक को किस किया, पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। रोशनी में प्रिंसेस को कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब रोशनी गुम होने लगी, प्रिंसेस को फिर से दिखने लगा, पर इस बार उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहीं जहां मेंढक खड़ा था, अब एक हैंडसम आदमी था। प्रिंसेस को पता नहीं था कि ये सच है या नहीं, और इसलिए उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उस मेंढक को क्या हुआ? मेरी सुंदर प्रिंसेस, मैं एक दूर राज्य का प्रिंस हूँ। एक चुड़ैल ने जादू करके मुझे मेंढक बना दिया था। वो जादू तोड़ने के लिए मुझे एक प्रिंसेस के साथ एक रात रहना था और एक किस लेनी थी। आपने मुझे हमेशा मेंढक रहने से बचा लिया। प्रिंसेस हैरान तो हुई पर बहुत खुश भी हुई। दोनों महाराजा के पास गए और पूरी बात बताई। बेटी, मेंढक ने तुम्हें ये दूसरी बात सिखाई है। हमें किसी की सच्चाई जाने बिना उसके दिखने के तरीके से उसके बारे में फैसले नहीं लेने चाहिए। महाराजा ने कुछ और दिन प्रिंस की मेहमान नवाजी की अपने महल में। प्रिंस और प्रिंसेस पॉन्ड के पास आए जहां वो पहली बार मिले थे। मेरी प्रिंसेस, क्या आप मुझसे शादी करोगी और मेरे घर चलोगी? प्रिंसेस मुस्कुराई और सर हिला के हाँ कहा। और ठीक उसी समय एक आवाज आई। रिबिट, रिबिट। दोनों आवाज जहाँ से आई वहाँ मुड़े और देखा, वहाँ पॉन्ड के नजदीक एक मेंढक था। दोनों ने अपनी सांस रोक ली और उसके बोलने का इंतजार किया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चिंता मत करो छोटे मेंढक, एक दिन तुम्हें भी तुम्हारी प्रिंसेस मिलेगी। थोड़े समय बाद दोनों ने शादी कर ली और खुशी से रहे हमेशा।